गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विजय राज कटारिया। टुडे विल बी स्टार्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है, क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सबसे पहले हम यूरिन के फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपसे डिस्कशन कर लूँ कि यूरिया का फॉर्म कहाँ होता है। तो यूरिया फॉर्म होता है लीवर में। कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको सोल्व करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि यूरिया जो है, यूरिया कहाँ फॉर्म होगा? लीवर में। ठीक है, लीवर के द्वारा, जो लीवर में लीवर सेल्स होती हैं, वो लीवर सेल इस यूरिया को किडनी में पहुंचा देती हैं, और किडनी में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। गाइस, सेकंड क्वेश्चन अपना ये है कि 1 मिनट के अंदर जो अपना बोमन संपुट है या ग्लोमेरुल्स जो है, 1 मिनट में अबाउट 125 ml फ्लूड को फिल्टर्ड करता है। 1 मिनट के अंदर 125 ml फ्लूड को वो फिल्टर करता है, और 1 डे के अंदर 180 लीटर जो ब्लड है उसको फिल्टर करते हैं अपनी किडनी। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि 1 डे जो है, एक दिन में जो बोथ किडनीज हैं उनमें कितना ब्लड फिल्टर होता है। तो लगभग अबाउट 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है, और जो ये 180 लीटर ब्लड वहां पर जो फिल्टर हो रहा है, इसमें से 1 से 2 लीटर क्या बनता है? यूरिन बनता है, यानी कि यूरिन फॉर्म होता है। ओके गाइस, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया, पहला कि यूरिया फॉर्म कहाँ होगा? लिवर में। और लिवर सेल्स उस यूरिया को कहाँ पहुंचा देंगी? किडनी के अंदर। किडनी में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, और मेनली फिल्ट्रेशन की प्रोसेस बोमन्स जो कैप्सूल है उसके ग्लोमेरुल्स में होती है। तो गाइस, 1 मिनट के अंदर 125 ml जो फ्लूड है या जो ब्लड है वो फिल्टर होता है ग्लोमेरुल्स के अंदर। तो 1 डे में 180 लीटर ब्लड फिल्टर होगा पर डे, और उन 180 लीटर पर डे में 1 से 2 लीटर यूरिन का वहां पर निर्माण होता है। अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा यूरिन है उसका पीएच अबाउट 6.8 होता है। ओके, यूरिन का पीएच कितना होगा? 6.8 होगा। और ये जो यूरिन है ये येलो विश कलर का होता है, येलो विश कलर का ये होता है। ओके गाइस, क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए कि यूरिन का पीएच तो 6.8 एंड कलर ऑफ यूरिन, तो यूरिन येलोविश कलर का होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कशन ये करते हैं कि जो यूरिन का कलर जो ये है येलो, ये येलो कलर किस बेस से होता है, किसकी वजह से होता है, क्या इसके पीछे क्या रीजन है जिससे ये यूरिन का कलर येलो होता है? तो उसका मेन रीजन है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम जो है उसकी वजह से यूरिन का कलर येलो होता है। ओके गाइस, और यूरिन जो है ना, इसमें थोड़ा तीक्ष्ण स्मेल आता है, गंध आती है, गंध टाइप में यूरिन होता है। तो ये जो स्मेल इस यूरिन में आती है ये अमोनिया की वजह से आती है। किसकी वजह से? अमोनिया की वजह से। तो गाइस, आप इसको ध्यान रखना कि यूरिन में जो स्मेल आती है वो अमोनिया की वजह से होती है। अब हम थोड़ा सा अपने टॉपिक को वापस स्टार्ट कर रहे हैं। अपना टॉपिक है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कि जो फॉर्मेशन होता है यूरिन का वो कहाँ पर होगा, और एक्सक्रेशन होता है यूरिन का वो कहाँ पर होता है, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर नेफ्रॉन को डेवलप करेंगे। नेफ्रॉन के पार्ट के थ्रू जो यूरिन फॉर्म हो रहा है उसकी डिटेल हम स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला
डिसाइड करा था आपके सामने कि फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन किया था कि नेफ्रॉन का एक फॉर्मूला है कि पहले आप यू बनाएंगे, फिर एम बनाएंगे, फिर यू, फिर एम, और आपका नेफ्रॉन डेवलप हो जाता है। तो देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि सबसे पहले यू हम बनाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर यू हो गया। ओके गाइस, और अपना जो नेफ्रॉन है वो मेनी पार्ट्स में डिवाइड रहता है। स्पेशली मैं वहां पर थ्री पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं कि अपने नेफ्रॉन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट है मेल्पिगियन बॉडीज। मेल्पिगियन बॉडीज जो है वो टू पार्ट में डिवाइड होती है। पहला है आपका बोमन्स कैप्सूल, सेकंड है आपका ग्लोमेरुलस। ये आपके मेल्पिगियन बॉडीज के पार्ट हो गए। सेकंड पार्ट आपका है रेनल ट्यूबुल्स। ओके गाइस, रेनल ट्यूबुल्स में मेनली फोर पार्ट होते हैं, या थ्री पार्ट हम उसमें कह सकते हैं कि थ्री पार्ट उसके अंदर होते हैं। रेनल ट्यूबुल्स में पहला पार्ट है आपका पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कोरिलेटेड ट्यूबुल्स। सेकंड पार्ट है आपका हेलेज लूप, और हेलेज लूप को फिर से टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक डिसेंडिंग आर्म और सेकंड असेंडिंग आर्म। और थर्ड पार्ट आपका है डीसीटी यानी डिस्टल कोरोनरी ट्यूबुल्स। ये पार्ट्स जो हैं ये नेफ्रॉन के पार्ट हैं। और लास्ट पार्ट आपका आता है कलेक्टिंग डक्ट्स, जिनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से आज स्टडी करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी सही तरीके से इन चीजों को आप आज पढ़ेंगे। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं आज कि मैकेनिज्म ऑफ एस्क्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। कुछ से हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को, जिसके थ्रू हम यूरिन के फॉर्मेशन के प्रोसेस को यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने यू डेवलप करा है, फिर मैंने एम बना दिया, अब मैं यहाँ पर यू बनाने वाला हूं। तो गाइज, यू बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर मुझे इस तरीके से डेवलप करनी है जिससे मैं यू की शेप इसे प्रोवाइड करवा सकूं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमें यू बनाना है और फिर एम बनाना है, एंड फिर अगेन अपने को यू बनाना है, और फिर एम बना के अपने को नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली यहां पर डेवलप करनी है। ये स्ट्रक्चर मैंने यहां पर डेवलप करी है, ये हमारा नेफ्रॉन है गाइस। तो आप इसको सही तरीके से थोड़ा कंसंट्रेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। और ये अपना है कलेक्टिंग डक्ट्स, जो मैं यहाँ पर इनको शो कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कलेक्टिंग डक्ट्स अपनी हैं जो एक्सक्रेशन के प्रोसेस में मेनली रोल प्ले करती हैं। तो गाइस, बोमन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुल सिचुएटेड होता है, तो यहां पर मैं ग्लोमेरुल्स को शो करने वाला हूं। तो यहां पर मैंने ग्लोमेरुल्स बना दिए हैं। ग्लोमेरुल्स जो है एक माइक्रो सेव की तरह होते हैं और वो सिचुएटेड होंगे आपके बोमन्स कैप्सूल के अंदर। बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुल्स जो हैं वो अपने मेल्पिगियन बॉडीज के पार्ट हैं, यानी कि मेल्पिगियन बॉडीज जो डेवलप होता है वो बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुल से डेवलप होता है। तो उनके बारे में भी हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये जरूर पढ़ा था, ये एफरेंट आर्ट्रियोल थी, अगर आपको रिमेम हो, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है। और ये एफरेंट आर्ट्रियोल करती क्या है, मिक्स्ड यूरिया यानी कि यूरिटेड ब्लड को लाती है ग्लोमेरुल्स, और ग्लोमेरुल्स कहाँ है, बोमन्स कैप्सूल के अंदर। ओके गाइस, और सेकंड अपनी ये आर्टरी थी इफ्रेंट आर्ट्रियोल, ये इफ्रेंट आर्ट्रियोल था। तो गाइस, आप थोड़ा तरीके से इस टॉपिक को पढ़ने वाला है यहां। ये एफ्रेंट आर्ट्रियोल हो गया, ये इफ्रेंट आर्ट्रियोल हो गया। ये जो स्ट्रक्चर हमने यहां पर बनाई है ये बोमन्स कैप्सूल है, ये बोमन्स कैप्सूल है, और जिसकी स्ट्रक्चर जो होती है बॉल्स के टाइप में होती है। और यहां पर मैंने जो रेड से शो किया हुआ है ये ग्लोमेरुल्स हैं,
ओके गाइस, ग्लोमेरुलस जो होते हैं ना वो एक गुच्छे के रूप में होते हैं, सेम ये फीमेल्स की जो आपने हेयरिंग की जो चोटियां देखी हैं, सेम दैट लाइक ग्लोमेरुलस जो होते हैं वो उसी के समान होते हैं, याद है हमने देखा है। और ये पार्ट जो होता है आपका यहां से स्टार्ट होगा गाइस, और यहां तक जो पार्ट है ये आपका पीसीटी है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में इस पीसीटी के बारे में डिस्कशन कर लिया था। ये पार्ट आपका है हेलनेज लूप, और हेलनेज लूप में टू आर्म्स थी, ये वाली आर्म्स जो है ये डिसेंडिंग आर्म्स हैं, एंड दिस असेंडिंग आर्म्स। ओके गाइस, असेंडिंग आर्म्स ये हेनरीज लूप की टू पार्ट हैं, पहला डिसेंडिंग आर्म्स और दूसरा असेंडिंग आर्म्स। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका ये पार्ट जो है, यहां तक ये पार्ट आपका है डीसीटी। ओके गाइस, और लास्ट बचा हुआ पार्ट जो है आपका ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स। अब बोथ पार्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं गाइस, यहां पे ध्यान दीजिए। एफरेंट आर्टेरियल जो है, सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कशन ये किया था कि जो अपना यूरिया है वो फॉर्म हो रहा है लिवर के अंदर, लिवर सेल्स उसको एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू बोमन्स कैप्सूल्स जो है उसके ग्लोमेरुलस में रिस्ट करती हैं, पहुंचाती हैं, और मिक्स यूरिटेड ब्लड होता है वो, यूरिया मिक्स ब्लड होता है। मैं यहां पर आपको ब्लड शो कर रहा हूँ, रेड जो पॉइंट बिंदुस हैं उनके थ्रू, ये यूरिटेड ब्लड है जो एफरेंट आर्टरी के थ्रू ग्लोमेरुलस के अंदर पहुंच चुका है। अब गाइज आपको ये रिमेन होगा या याद होगा आपको कि जो ग्लोमेरुलस है उसमें मैनी माइक्रो पोर्स होते थे, ये मैं ब्लैक से यहां पर पोर्स दिखा रहा हूं, ये जो पोर्स हैं ये होल हैं एक टाइप्स के, जिनसे प्लाज्मा एंड एनी सब्सटेंस जो हैं, फ्लूइड जो हैं वो फिल्टर्ड हो जाते थे, ब्लड कार्पल्सेस एंड ब्लड प्रोटीन्स और ब्लड कोलाइडीज जो सॉल्यूशन था उनको छोड़कर बाकी एनी कंटेंट विद प्लाज्मा सबके सब इन माइक्रोपोर्स से फिल्टर हो रहे थे। अब यहां पर देखिए, हम यहां को समझते हैं इसको कि एफरेंट ऑट्रियोल जो है, ऑट्रियोल आर्टरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ओके, एफरेंट ऑट्रियोल जो है मिक्स यूरिटेड ब्लड को ग्लोमेरुलस में लेके आती है। जब ये एफरेंट ऑट्रियोल मिक्स ब्लड को ग्लोमेरुलस में लाती है, देन उस समय इसका प्रेशर होता है 70 mmHg, और इस प्रेशर को कहा जाता था GHP। ओके गाइस, मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, जीएसपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कब क्रिएट होता है, जब एफरेंट आर्टेरियोल मिक्स्ड यूरिनेटेड ब्लड को ग्लोमेरुलस में लाती है उस समय ये क्रिएट होता है। देन यहां पर ये आपको एक चीज और यहां देखना है कि एफरेंट आर्टेरियोल जो है ना उसका डायमीटर एंड उसमें जो ब्लड का फ्लो होगा वो फास्ट होगा, यहां पर एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर मोर देन होगा, एंड इसमें जो ब्लड फ्लो होगा मिक्स यूरिया उसका फ्लो फास्ट होगा। इफरेंट आर्टरी में ऐसा नहीं है, क्योंकि इफरेंट आर्टरी जो है उसका डायमीटर लेस देन होता है एफरेंट आर्टरियोल के, एंड इसमें जो ब्लड का फ्लो होगा वो स्लो होगा, बिकॉज एफरेंट आर्टरियोल मिक्स यूरिनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके रिस्ट करवाती है ग्लोमेरुलस के अंदर, एंड देन ग्लोमेरुलस से प्लाज्मा एंड एनी कंटेंट्स फिल्टर हो जाते हैं, वो स्टोर हो जाते हैं बोमन्स कैप्सूल में। आफ्टर दैट जो ग्लोमेरुलस है उसमें प्लाज्मा और एनी सब्सटेंस तो फिल्टर हो जाते हैं, सेल्स जो बचे हैं जैसे ब्लड कार्पल्सेस, ब्लड प्रोटीन्स एंड ब्लड सोल्युबल कोलोइड्स वो इफरेंट आर्टरी के थ्रू आगे कंटिन्यू मूवमेंट करते रहते हैं। अब इस प्रोसेस को हमें यहां पर स्टडी करना है, जैसे ही एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू मिक्स यूरिनेटेड ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है तो ग्लोमेरुलस में मैनी माइक्रो पोर्स होते हैं, और वो पोर्स से प्लाज्मा एंड एनी सब्सटेंस जो है सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम कैल्शियम यूरिया यूरिक एसिड जितने भी कंटेंट्स हैं
वो बोमन्स कैप्सूल में आके स्टोर हो जाते हैं। गाइस यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही ग्लोमेरुल्स में फिल्ट्रेशन होता है उसके प्लाज्मा एंड एनी कंटेंट्स बोमन्स कैप्सूल में आके स्टोर हो जाते हैं। गाइस आपको एक चीज दिमाग में आ रहा होगा, माइंड में आप बार बार इसको ले रहे होंगे कि हम मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेनली ये जो प्रोसेस है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की, ये थ्री स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो इसका फर्स्ट स्टेप है, मैं आपको क्लियर कर दूं, फर्स्ट स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके गाइस, पहला होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और मैंने आपको रिमेंड कर दिया था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है ओनली मेल्पिगेंट बॉडीज में होती है, स्पेशली कहें कि बोमन्स कैप्सूल में होती है, क्योंकि बोमन्स कैप्सूल के अंदर ही अपना ग्लोमेरुल सिचुएटेड होता है। सेकेंड आपका इसका स्टेप है सेलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन अब्जॉर्प्शन, और थर्ड इसका पॉइंट है सिक्रेशन। तो इन थ्री स्टेप्स के थ्रू ही ये मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इनमें फर्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी मेनली बोमन्स कैप्सूल के अंदर। तो देखिए गाइस, एफरेंट ओट्रियल मिक्स यूरेटेड ब्लड को जैसे ही ग्लोमेरुल्स में एंटर करवाती है उस समय प्रेशर होता है 70 mmHg, जिसे GSP ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। इस ग्लोमेरुल्स के अंदर मेनी माइक्रोपोर्स होते हैं जिनके थ्रू प्लाज्मा एंड एनी सबस्टेंस सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम यूरिया ETC फिल्टर होकर इस बोमन कैप्सूल में स्टोर होने लगते हैं। ओके गाइस, सेस जैसे ब्लड कॉर्पसेस ब्लड प्रोटीन एंड ब्लड सोल्युबल कोलोइड्स जो हैं वो इन पोर्स में से फिल्टर नहीं हो पाते बिकॉज उनका शेप एंड साइज मोर देन होता है, इसलिए वो एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू आगे मूवमेंट करते रहते हैं। अब देखिए, अब आगे हम इस पर डिस्कशन करते हैं। ये जो फिल्टर हुआ है प्लाज्मा एंड एनी सबस्टेंस उन पर एक प्रेशर क्रिएट होता है लगभग 20 mmHg। ओके गाइस, इसे CHP प्रेशर कहते हैं, यानी कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहां पर क्रिएट होता है। इस बोमन कैप्सूल के अंदर जो प्लाज्मा एंड फ्लूड या सबस्टेंस भरे हुए हैं उनके द्वारा एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है जिससे वो फ्लूड आगे की ओर मूवमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इफ्रेंट आर्टेरियोल के थ्रू जो मटेरियल जा रहा है सब्सटेंस जा रहे हैं उनमें से स्पेशली ब्लड सोल्युबल कोलाइड्स एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिससे इस ग्लोमेरुल्स में प्लाज्मा एंड एनी सब्सटेंस फिल्टर हो जाते हैं। तो यहां पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर को लगभग 30 mmHg यहां पर प्रेशर क्रिएट होता है जिसे बीकोप कहा जाता है। ओके गाइस, यानी कि ब्लड कोलाइडी ऑस्मेटिक प्रेशर इसे कहा जाता है। ये प्रेशर यहां पर क्रिएट होगा अगेंस्ट ब्लड कॉर्पसेस ब्लड प्रोटीन के, और किसके द्वारा होगा, ब्लड सोल्युबल कोलोइड के द्वारा, जिससे ग्लोमेरुल्स में प्रेजेंट जो सब्सटेंस है जैसे प्लाज्मा सोडियम मैग्नीशियम या एनी सब्सटेंस उस प्रेशर की वजह से यानी बीकोप प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुल्स के पोर्स से फिल्टर होके बोमन्स कैप्सूल में स्टोर हो जाते हैं। अब स्टोर हो गए बोमन्स कैप्सूल में, अब बोमन्स कैप्सूल में प्रेशर क्रिएट होता है जिससे ये स्टोर्ड मटेरियल है ये आगे फ्लो करता है। तो देखिए गाइस, अब आपका फ्लूड कहां आ गया, बोमन कैप्सूल से फ्लूड आ गया आपका नेक में और फिर आ गया PCT के अंदर। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि अब आपका फ्लूड कहां पहुंच चुका है, प्लाज्मा एनी कंटेंट्स जो है सब्सटेंस जो है वो आपके PCT ट्यूबल्स में एंटर कर चुके हैं। और गाइस हमने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में ये डिस्कशन कर चुके थे कि PCT के अंदर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस मोर देन होती है बिकॉज PCT के अंदर स्पेशली माइक्रोविलीज प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोविलीज के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था कि माइक्रोविलीज जो होती है वो अब्जॉर्प्शन की सरफेस को इंक्रीज कर देती हैं जिससे लगभग 20 मोर देन टाइम्स जो अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो एंकरेज हो जाती है। अब गाइस मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपको रिपीट कर देता हूं कि इस ग्लोमेरुल्स में जो फिल्टर हो रहे हैं ब्लड में से लगभग 95% वाटर फिल्टर हो जाता है। कहां पर, जब
ग्लोमेरुल्स में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है तो उस ब्लड में प्रेजेंट एनी कंटेंट वाटर सोडियम मैग्नीशियम प्लाज्मा एनी कंटेंट जो है उनमें से 95% वाटर फिल्टर हो जाता है और उस 95% वाटर में से 0.8% ही यूरिन में कन्वर्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोमेरुल्स जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के दौरान ब्लड में से कितना परसेंट वाटर का फिल्ट्रेशन होता है, तो 95% और उस 95% में से कितना परसेंट यूरिन में कन्वर्ट होता है, तो 95% वाटर में से ओनली फॉर 0.8% जो पार्ट है 95% वाटर का वो ही कन्वर्ट हो पाता है यूरिन के अंदर। तो गाइस हम बात कर रहे हैं पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉर्डेट ट्यूबल्स के अंदर माइक्रोविलीज प्रेजेंट होते हैं और ये माइक्रोविलीज क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को। तो अभी नॉर्मली हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं पीसीटी के अंदर। देखिए कुछ चीजें फिल्टर हो चुकी हैं और कुछ चीजें फिल्टर जो नहीं हुई है ग्लोमेरुल्स में वो इफ्रीट एट्रियोल के थ्रू आगे मूवमेंट कर रही हैं, तो मैं इसी मूवमेंट को आगे आपको शो करने वाला हूं। अब ये जो इफ्रीट एट्रियोल आपकी है ये आगे जाके इस तरीके से क्लियरली मैं इसके बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। तो गाइज आप सावधानी पूर्वक कंसंट्रेशन के हिसाब से इस टॉपिक को पढ़ें क्योंकि आज जो आप पढ़ेंगे इन फ्यूचर आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट इनसे होने वाला है। तो मैंने इसको इस स्ट्रक्चर को यहां तक ऐसे दिखाया है, आगे इस एफ्रेंट ऑट्रियल को मैं बढ़ाता हूं तो इस तरीके से ये एफ्रेंट ऑट्रियोल है ना नेफ्रॉन के मेनी पार्ट्स पर ओवरलैप रहती हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर बिकॉज कि इनमें कुछ मटेरियल्स या सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते एनी पार्ट के थ्रू और इस वजह से ये एफ्रेंट ऑट्रियोल जो है ओवरलैप रहती है नेफ्रॉन के मेनी पार्ट से जिससे वहां पर इनको री ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस के थ्रू जो सब्सटेंस अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे थे पीसीटी डीसीटी के अंदर वहां पर इनको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड कार्पल्सेज होंगी ब्लड प्रोटीन्स होंगे और कोलाइड्स होंगे जो इस इफ्रेंट आर्टरीज के अंदर फ्लो हो रहे हैं। मैंने ये जो एक घेरे नुमा स्ट्रक्चर जो बनाई है ओवरलॉक नेफ्रॉन के चारों ओर ये इफ्रेंट आर्ट्रियोल है जिसमें मेनी कंटेंट जैसे ब्लड कार्पल्सेस ब्लड प्रोटीन्स ब्लड सोल्युबल कोलाइड्स आदि यहां पर इसमें फ्लो हो रहे हैं मूवमेंट कर रहे हैं। तो गाइस आपको इनको इजीली तरीके से बड़े आराम से पढ़ना है क्योंकि हम 12th क्लास में हैं और बोर्ड की क्लास में हर एक चीज को कंसंट्रेशन के हिसाब से पढ़ा जाता है। यहां पर मैंने इनको शो कर दिया है ये एफ्रेंट ऑट्रियोल है। अब गाइस आप देखिए हम इसको थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि पीसीटी के अंदर प्लाज्मा है एनी कंटेंट या सब्सटेंस एंटर हो गए हैं पीसीटी में क्या प्रेजेंट है माइक्रोविलीज प्रेजेंट है और ये माइक्रोविलीज क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन की सरफेस को। अब देखिए यहां से जो पार्ट ऑब्जॉर्ब होगा यहां से स्टार्ट हो चुका है आपका पीसीटी। अब ये पीसीटी में जो फ्लो हो रहा है मटेरियल उनमें से कुछ पार्ट ऑब्जॉर्ब होके लिम्फ में आ जाते हैं। ये यहां पर लिम्फ है गाइस इनको आप सही तरीके से पढ़ेंगे ये लिम्फ है ये उस ट्यूबुल से बाहर आ जाते हैं और लिम्फ में आके ये स्टोर होने लगते हैं मूवमेंट करने लगते हैं। मैं इनको बारीकी से आपको इंडिकेट करके समझाऊंगा तो आप थोड़ा बोर्ड पे अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें क्योंकि कंसंट्रेशन के बिना अपने कोई टॉपिक सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से सो की हुई ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स मैंने दिखाई हैं ये ऑब्जॉर्ब किए हुई पार्ट्स हैं या सब्सटेंस जैसे सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम ग्लूकोज विटामिन सी ईटीसी टीसी सारी चीजें यहाँ पर ऑब्जॉर्ब होती रहती हैं और जो ऑब्जॉर्ब नहीं होती हैं वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाती हैं और पास आउट हो जाती हैं बॉडी के पार्ट से। और यहाँ पर मैंने ट्यूबल्स के अंदर जो फ्लो हो रहा है उस मटेरियल को यहाँ पर शो कर दिया है। गाइज मैं इसकी प्रोसेस के अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को और रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को आपको क्लियरली यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं तो आप इजीली तरीके से इसको आप समझेंगे। तो गाइज
यहां से ये बोमन्स कैप्सूल है, यहां से ये 20 mmHg का प्रेशर जैसे क्रिएट होता है तो इसमें प्लाज्मा एंड एनी सब्सटेंस जो है वो आगे की तरफ फ्लो करते हैं और पीसीटी ट्यूबुल्स में एंटर कर जाते हैं और पीसीटी ट्यूबुल्स में माइक्रो विलीज प्रेजेंट होती है और ये माइक्रो विलीज जो होती है ना एब्जॉर्प्शन की सरफेस को एंकरेज कर देते हैं। जैसे ही फ्लूड इस पीसीटी ट्यूबुल्स में आता है, ये पीसीटी ट्यूबुल्स है मैंने ब्लू से यहां पे दिखाई है, तो इसमें से मेनी सब्सटेंस एब्जॉर्ब होने लगते हैं और एब्जॉर्ब होके लिंक में एंटर कर जाते हैं। ओके गाइस, यहां पर मैंने इनको शो किया हुआ है, ये एब्जॉर्ब होके ये ब्लैक ब्लैक जो है ये ऑब्जर्व होके लिंक में आ जाते हैं। अब समझना यहां पर ये है, जैसे ये लिंक में इनका वॉल्यूम बढ़ता है तो ये इनके किनारों से गुजर रही है क्या इफ्रेंट ऑट्रियोल, वो इनको ऑब्जर्व करने लगती है और इफ्रेंट ऑट्रियोल में जो हार्मफुल एक्सक्रीटरी जो पार्ट हैं या सब्सटेंस जो हैं वो वापस इन पीसीटी में डीसीटी में हेलिस के लूप में कलेक्टिंग डक्ट्स में एंटर करवा देती है ताकि वहां पर फिर रीऑब्जर्वेशन वहां होना स्टार्ट हो जाए। अब देखिए कि पीसीटी में जैसे ही फ्लूड एंटर करता है तो यहां पर सबसे पहले ग्लूकोज का पीसीटी के अंदर ग्लूकोज का और उसके साथ में विटामिन सी का और अमीनो एसिड्स का एसिड्स का 100% ऑब्जर्वेशन हो जाता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन हो जाता है 100%। अब देखिए पीसीटी ट्यूबुल्स के अंदर ग्लूकोज का विटामिन सी का एंड अमीनो एसिड का 100% ऑब्जर्वेशन हो जाता है। अब ये जो ऑब्जर्व हुई हुई पार्ट हैं ये ऊपर की ओर मूवमेंट करते हैं और इफ्रेंट आर्ट्रियोल में ये चले जाते हैं, इफ्रेंट आर्ट्रियोल जो है इनको कैच करना स्टार्ट कर देता है। जहां भी इफ्रेंट आर्ट्रियोल आपको दिखाई देगी वो जितने भी घेरे आपको दिख रहे हैं ये इफ्रेंट आर्ट्रियोल के हैं, ये जो लाभदायक सब्सटेंस हैं उनको ऑब्जर्व करती रहती हैं। मैंने भी आपको पीसीटी में क्या कहा कि इसमें माइक्रो विलीज प्रेजेंट होती हैं जो ऑब्जर्प्शन की सरफेस को इंक्रीज कर देती हैं, जैसे ग्लूकोज का विटामिन सी का और अमीनो एसिड का ये 100% ऑब्जर्प्शन कर देती हैं। साथ में जैसे सोडियम का कैल्शियम का और पोटेशियम का लगभग 75% ये ऑब्जर्वेशन पीसीटी ट्यूबल्स में हो जाता है। अब गाइस देखिए यहां तक पीसीटी ट्यूबल्स है, अब पीसीटी ट्यूबल्स एंटर कहां कर रही है हेनलेज लूप में और हेनलेज लूप के किस पार्ट में डिसेंडिंग आर्म्स में। हेनलेज के टू पार्ट्स हैं यानी टू आर्म्स हैं डिसेंडिंग आर्म्स एंड असेंडिंग आर्म्स। तो गाइस जो पीसीटी ट्यूबुल्स है उसका पोस्टीरियर पार्ट एंटर करता है हेनलेज लूप के डिसेंडिंग आर्म्स में और इस डिसेंडिंग आर्म्स में ऑब्जर्वेशन में किसका ऑब्जर्वेशन मेनली होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए इस डिसेंडिंग आर्म्स में ये जो डिसेंडिंग आर्म्स है ये ओनली H2O के लिए परमिएबल होती है। गाइस ध्यान से देखना इसको, ये जो डिसेंडिंग आर्म्स है हेनलेज लूप की ये ओनली H2O के लिए परमिएबल होती है और एनी सब्सटेंस के लिए ये इनपरमिएबल होती है। तो गाइस ध्यान यहां पर ये देना है कि ये ओनली H2O के लिए परमिएबल है, इट मींस डिसेंडिंग आर्म्स ओनली H2O का ही ऑब्जर्वेशन करेगा, अदर कंटेंट को ये ऑब्जर्व नहीं करेगा, अदर कंटेंट को फ्लो कर देगा आगे की ओर, यानी कि आगे की ओर इसको फ्लो कर देगा। देखिए हेनलेज लूप का जो फर्स्ट आर्म है डिसेंडिंग आर्म्स वो H2O के लिए परमिएबल होता है, इसलिए यहां पर ओनली H2O का ही ऑब्जर्वेशन होगा, बाकी कंटेंट सोडियम क्लोरीन मैग्नीशियम पोटेशियम आदि जो कंटेंट है सब्सटेंस जो है आगे फ्लो करते हैं हेनलेज के लूप में। और गाइस मैं रिमेन कर दूं, ये हेनलेज का जो लूप है ये यू अंग्रेजी का जो यू वर्ड है उसके शेप का ये होता है। तो आपको डिसेंडिंग आर्म्स में समझ में आ गया होगा कि डिसेंडिंग आर्म्स ओनली H2O के लिए परमिएबल होती है, एनी कंटेंट्स यानी सब्सटेंस के लिए परमिएबल नहीं होती। अब हम बात करते हैं असेंडिंग आर्म्स का, ये जो असेंडिंग आर्म्स हैं ये H2O के अलावा एनी सब्सटेंस के लिए परमिएबल होती है। तो गाइस यहां पर ये सोडियम के लिए क्लोरीन के लिए कैल्शियम के लिए
और पोटेशियम के लिए एनी कंटेंट्स के लिए ये परमिएबल होती है, बट H2O के लिए ये परमिएबल नहीं होती, इनपरमिएबल होती है। तो गाइस डिसेंडिंग आर्म्स में क्या होगा, ओनली H2O का अब्जॉर्प्शन होगा एंड बचे हुए एनी सब्सटेंस जो हैं उनका अब्जॉर्प्शन असेंडिंग आर्म्स में होता है। तो हेनलेज लूप में आपको समझ में आ गया होगा, हेनलेज लूप में टू पार्ट्स होते हैं, पहला डिसेंडिंग आर्म्स, दूसरा असेंडिंग आर्म्स। डिसेंडिंग आर्म्स में केवल H2O का अब्जॉर्प्शन होता है, देन असेंडिंग आर्म्स में पोटेशियम कैल्शियम एंड सोडियम क्लोरीन ईटीसी सब्सटेंस का अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस असेंडिंग आर्म्स ऑफ हेनलेज लूप में कंप्लीट होती है। अब जो सेस बचे कंटेंट हैं, मटेरियल्स जो हैं, वो एंटर करते हैं डीसीटी पार्ट के अंदर, डिस्टल कोरोनेटेड ट्यूबुल्स के अंदर। जैसे ही वो एंटर करते हैं बचे हुए पार्ट्स, अब यहां पर आपको यह समझना है कि असेंडिंग आर्म्स जो है हेनलेज लूप की वो ओपन होती है डिसेंडिंग पार्ट में, ओके। और डिसेंडिंग पार्ट जो है वहां पर सोडियम का और क्लोरीन का, स्पेशली सोडियम एंड क्लोरीन का और H2O का 19% अब्जॉर्प्शन होता है। गाइज यहां पर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नेफ्रॉन के किस पार्ट में होती है, तो सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नेफ्रॉन के पीसीटी पार्ट में होती है, बिकॉज पीसीटी पार्ट में माइक्रोविलीज प्रेजेंट होते हैं, देन डीसीटी के अंदर 19% पार्ट ही अब्जॉर्ब होता है, किस किस का, सोडियम का एंड क्लोरीन का। इसके पीछे एक रीजन है कि डीसीटी पार्ट में जो माइक्रोविलीज है वो एबसेंट होती है। सो गाइज डीसीटी पार्ट के अंदर सोडियम का एंड क्लोरीन का 19% अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, एंड जो बाकी कंटेंट बचे हुए हैं जो अब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन में कन्वर्ट होके चले जाते हैं। अब गाइज यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिमेन करवा देता हूं कि जो वोमेंस कैप्सूल है यहां पर यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है 10% रहती है, क्योंकि यहां पर एन सभी कंटेंट से मिक्स्ड रहते हैं प्लाज्मा के अंदर, बट जैसे ही हम कलेक्टिंग डक्ट या डीसीटी ट्यूबुल्स को पार करके जाते हैं और कलेक्टिंग डक्ट्स में पहुंचते हैं तो कलेक्टिंग डक्ट्स में इसका 60-70% इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि यूरिन बनने की प्रोसेस जो है कलेक्टिंग डक्ट तक आते आते 60-70% इंक्रीज हो जाती है, जबकि वोमेंस कैप्सूल में यूरिन फॉर्मेशन ओनली 10% की रेट से होता है, जबकि कलेक्टिंग डक्ट में जैसे ही 60-70% इसमें इंक्रीमेंट आ जाता है। अब गाइज हमें यहां पर यह देखना है कि हमने प्लाज्मा और उसमें प्रेजेंट सब्सटेंस का अब्जॉर्प्शन पीसीटी के अंदर हेनलेज लूप में डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट्स में हमने समझ लिया है, लेकिन अब हमारे पास इफ्रेंट ऑर्ट्रियोल में प्रेजेंट ब्लड कार्पल्सेस, ब्लड प्रोटीन्स एंड ब्लड सोल्यूबल कोलोइड्स जो इसके अंदर हैं उनका अब्जॉर्प्शन कैसे और किस तरीके से होगा उसको भी यहां पर हमें समझना है। तो देखिए गाइस इसमें प्रेजेंट होंगे इफ्रेंट ऑर्ट्रियोल के अंदर ब्लड कार्पल्सेस, ब्लड प्रोटीन्स एंड ब्लड सोल्यूबल कोलोइड्स। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहां पे यहां तक दर्शाई हुई है कि ये ओवरलैप हो जाते हैं नेफ्रॉन के एनी पार्ट से, मतलब नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे ये ओवरलैप हो जाते हैं। ये ओवरलैप होने का मेन कारण का ये है कि ये जो यूजफुल कंटेंट है उनको तो ऑब्जर्व करते हुए जाते हैं और इफ्रेंट आर्ट्री में जो बचे हुए हार्मफुल कंटेंट है उनको वापस नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ये छोड़ते जाते हैं, जिससे लास्ट के अंदर जो इफ्रेंट आर्ट्रियोल किडनी के अंदर पहुंचती है वहां पर ओनली ब्लड कार्पल्सेस ही शेष रहती हैं। इस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं और यूरिन फॉर्मेशन की ये जो प्रोसेस है आपको इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में डिस्कशन किया था। सिक्रेशन के बारे में मैं आपको नॉर्मली यहां पर एक क्वेश्चन के हिसाब से बता देता हूं कि सिक्रेशन की जो प्रोसेस है वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू स्टार्ट होती है और जो पार्ट या जो सब्सटेंस या जो मटेरियल ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू वापस यूरिनरी ब्लेडर या बॉडी से बाहर उनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। लेकिन सिक्रेशन का मतलब ये होता है
कि इफेंट आर्टियल में प्रेजेंट जो बचे हुए कंटेंट्स हैं वो वापस रीऑब्जर्व होने लगते हैं नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और वहां से जो यूजफुल कंटेंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब करते रहते हैं, हार्मफुल कंटेंट्स को वो वापस नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में एंटर करवाते रहते हैं, वो रीऑब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो गाइस आज हमारा एस्केटरी सिस्टम जो है कंप्लीटली फिनिश्ड हो चुका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो मैकेनिज्म ऑफ एस्क्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में या एस्केटरी सिस्टम में तो कैन बी एक्सप्लेन, मुझे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।